रॉकी वर्सेस विनाश, विनाश और उसके गुंडों से कैसे डील करेगा रॉकी? क्या रॉकी सोना चुराने में हो पाएगा कामयाब? क्या होगा विनाश का अगला कदम? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ हॉलीग्रैड स्टूडियोज में। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी KGF के दोनों पार्ट्स को ना देखा हो, और अब ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत जल्द आप सभी को KGF का अगला चैप्टर सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर KGF चैप्टर 2 की इतनी मैसिव सक्सेस के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील KGF का अगला चैप्टर लाने को खुद को रोक सकते हैं क्या? और उन्होंने अगर ऐसा सोचा भी तो KGF सीरीज की फैन फॉलोइंग उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। तो KGF चैप्टर 2 में काफी सारे सवाल थे जिनके जवाब हमें KGF के आने वाले चैप्टर में मिलेंगे, इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं KGF चैप्टर 3 की कहानी, जो कि आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो KGF चैप्टर 2 में आपने रॉकी भाई को समंदर में डूबते हुए देखा था, लेकिन आपके रॉकी भाई मरेंगे नहीं, बल्कि यहीं से नए चैप्टर की शुरुआत होगी। रॉकी भाई को बचाने के लिए अमेरिका के सबमरीन्स नीचे समंदर में उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि रॉकी भाई की ये मौत एक प्लान्ड एक्शन था। जैसे ही रॉकी भाई डूबते हैं, अमेरिका से आए सबमरीन उन्हें बचा लेते हैं, और ये सबमरीन और किसी के नहीं बल्कि अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन जिमी कार्टर के होते हैं। आप सभी ने KGF चैप्टर 2 में जिमी कार्टर को देखा होगा, इनकी एक छोटी सी झलक पहले ही दिखाई जा चुकी है। मेकर्स फिल्म के चैप्टर को आसपास में जोड़ने के लिए पहले ही जिमी कार्टर को इस सीरीज में ऐड कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में जिमी कार्टर एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो जिमी कार्टर रॉकी भाई को अपने साथ अमेरिका लेकर जाते हैं। चैप्टर 2 में ही रॉकी भाई ने जिमी कार्टर से अच्छी दोस्ती कर ली थी। जिमी कार्टर को अपने साथ अमेरिका ले जाते हैं, जहां कुछ समय तक उनका इलाज चलता है, क्योंकि समंदर में डूबने की वजह से पानी रॉकी के सीने में चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जिमी कार्टर के डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। इलाज के दौरान जिमी कार्टर और रॉकी भाई की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहां रहते हुए रॉकी को पता चलता है कि अमेरिका में एक डेविस गोल्ड फील्ड है, जहां सोने की भरमार है। डेविस गोल्ड फील्ड अमेरिका की सबसे पुरानी सोने की खदान है, जहां अमेरिका के रॉयल करेंसी भी मिल जाते हैं। रॉकी जिमी से कहता है कि मैं डेविस गोल्ड फील्ड के सारे सोने को अपने साथ इंडिया ले जाना चाहता हूं, जिसे KGF के सोने में मिला के मैं वहां के लोगों की भलाई में उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे तुम्हारी सबमरीन्स की मदद लगेगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इंडिया में तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा, साथ ही सारे सोने का 10% मैं तुम्हें भी दे दूंगा। जिमी कार्टर इस डील के लिए मान जाता है। इधर रॉकी भाई और जिमी कार्टर अमेरिका के सोने को इंडिया लाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वही दूसरी और अधीरा के बेटे विनाश को रॉकी के इस प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। KGF के इस सीक्वल में विलन विनाश ही होगा, और आगे चलकर रॉकी भाई और विनाश में हमें तगड़ी फाइट भी देखने को मिलेगी। इस प्लानिंग के बारे में जानते ही वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। विनाश किसी भी हाल में इस सोने को रॉकी भाई के नाम होने नहीं देना चाहता। वो सोचता था कि पहले ही रॉकी उसके पिता और कोलार गोल्ड फील्ड के सोने को उससे छीन चुका है, और अब वो रॉकी को और किसी और चीज पर हाथ जमाने नहीं देगा। वैसे इस कहानी को सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा है कि KGF के लोग तो रॉकी भाई को जिंदा देखकर काफी खुश है, लेकिन जब रमिका सेन को रॉकी के जिंदा होने की खबर मिलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।